अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बेपाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, पर अब कंगना का एक विवादित बयान उनके लिए परेशानी बन गया है। हाल ही में कंगना की एक पोस्ट पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई थी, जिसके कारण अब पासपोर्ट अथॉरिटी ने कंगना के पासपोर्ट रिन्यूअल पर आपत्ति जताई है। कंगना की पासपोर्ट रिन्यूअल की मांग की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 जून के लिए स्थगित कर दिया है। इतना ही नहीं, इस विवाद के बीच कंगना ने बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान का नाम घसीटा है। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, आमिर खान ने भी भारत को असहिष्णुता कहते हुए बीजेपी सरकार को भी अपमानित किया था। उनकी फिल्में और शूटिंग रोकने के लिए किसी ने उनके पासपोर्ट पर तो रोक नहीं लगाई और उन्हें इस तरह टॉर्चर और परेशान भी नहीं किया गया। बता दें कि कंगना इस पोस्ट में 2015 में आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के बयान को लेकर हुए विवाद के बारे में बात कर रही हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि कंगना के इस बयान पर आमिर खान की क्या प्रतिक्रिया आती है।